व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सरल मोबाइल नंबर लेना पसंद करता है जो आसानी से याद किया जा सके। मोबाइल नंबर लेते समय उसका योगांक सही होना भी आवश्यक होता है। अगर आपके मोबाइल का योगांक आपकी राशि के अनुसार सही है तो आपका नंबर आपके लिए लकी रहेगा। वही योगांक गलत होने पर यह नंबर आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर सकता है। आप राशि अनुसार ऐसे अपने लकी योगांक जानकर सही मोबाइल नंबर का चयन कर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ये अब मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा बताने जा रही हूँ कि कौन से योगांक नंबर आपके लिए सफल रहेंगे। मेष राशि। मेष राशि के जातकों का लकी योगांक 4 तथा 7 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों का लकी योगांक 5 तथा 8 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का लकी योगांक 6 तथा 9 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का लकी योगांक 8 तथा 9 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों का लकी योगांक 2 या 4 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का लकी योगांक 5 या 8 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों का लकी योगांक 1 या 7 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों का लकी योगांक 4 तथा 5 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के जातकों का लकी योगांक 9 तथा 8 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों का लकी योगांक 4 तथा 9 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए लकी योगांक 2 तथा 7 का माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों का लकी योगांक 6 तथा 8 माना जाता है, इसलिए उन्हें इसी योगांक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट अवश्य हुए होंगे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं या संतुष्ट हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें और अपनी सभी समस्याओं को मुझसे साझा करेंगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार बहनों, जय हिंद।